नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है, इसीलिए गाय को गौ माता कहा जाता है। और हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा देने की वजह से ही बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता विद्यमान होते हैं, विराजमान होते हैं, या ऐसे कहें कि 33 कोटि देवी देवता उनमें वास करते हैं, इसीलिए गौ माता को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि गौ माता को कुछ भी खिला देने से या उनकी सेवा करने से काफी शुभ फल की प्राप्ति होती है। और यह भी कहा जाता है कि गौ माता उनकी पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। वैसे भी गाय का महत्व तो वैदिक काल से ही चला आ रहा है, और खुद भगवान श्री कृष्ण भी गौ माता से काफी स्नेह रखते थे, इसीलिए उनकी सेवा करते थे। दोस्तों, गौ माता की सेवा करने से या उन्हें कोई छोटी से छोटी चीज भी खिला देने से या उनके सामने कोई मंत्र बोलने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी मुश्किलों में आप फंसे हो, गौ माता की सेवा करने से या फिर उन्हें छोटी से छोटी चीज या उनके प्रति कोई भी उपाय करने से आपकी वो सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। गाय माता को दूध देने वाली माता कहा जाता है। गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है। कहा जाता है कि गौ माता का जो दूध होता है वो अमृत तुल्य होता है। गाय के दूध से बने घी, पनीर, दही सबसे शुद्ध होने के साथ ही शरीर के लिए काफी सेहतमंद भी होते हैं। गाय का गोबर, गौमूत्र भी काफी लाभकारी माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि गौमूत्र को पीने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का भी इलाज हो जाता है, और गाय के गोबर से सूखे उपले बनाकर उसे जलाने से निकलने वाले धुएं से हवा में मौजूद विषैले कीटाणु भी खत्म हो जाते हैं। यही कारण है दोस्तों कि कोरोना काल में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि वातावरण में से एक और कीटाणु और विषाणुओं का नाश हो और साथ ही साथ घर में सकारात्मकता भी फैले। अगर किसी व्यक्ति के मंगल ग्रह के दोष हो या फिर सूर्य दोष हो, तो ऐसे में गौ माता को यदि आप गुड़ खिला देते हैं, वहीं अगर कोई चंद्र ग्रह या शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो गौ माता को रोटी खिला देते हैं, तो आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको गौ माता को जो आटा आप खिलाते हैं सुबह सुबह उठ करके, जो आप गौ माता के लिए लोहा निकालते हैं, लोहा भी कहा जाता है, उसे जो निकालते हैं और लोहा खिलाते हैं, अगर आप उसमें एक चीज, खास चीज अगर आप डाल देते हैं, तो आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आ सकते हैं, आपकी रूठी हुई किस्मत भी किस प्रकार से पलट जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, अगर आपको बहुत प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर आपकी लगी हुई नौकरी भी छूट गई है, ऑफिस में लगातार समस्याएं चल रही हैं, तो आप कुछ दिनों तक मीठे चावल बनाकर गाय को खिलाइए। इस उपाय के प्रभाव से नौकरी से जुड़ी हुई हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं, चाहे वह नई नौकरी प्राप्त करना हो या फिर अब तक आपको नौकरी नहीं मिली है तो उसे प्राप्त करना हो, नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करना हो, या फिर आपके नौकरी में कुछ बाधाएं आ रही हैं, नौकरी जाने का खतरा लग रहा है, तो आप इस प्रकार के उपाय करें। नौकरी से संबंधित हर प्रकार की समस्या का समाधान इस एक गाय को खिलाने वाले उपाय में ही है। स्वच्छ होकर अपने रसोई घर में जाके आप गौ माता के लिए उनके निवेद आप आटा लगाएं, या फिर जो भी आप नित्य अपने घर के लिए खाना बनाने के लिए आटा लगाते हैं वही आटा लगाएं, और उस आटे में बस नमक ना डालें, थोड़ा सा आटा अगर आप हो सके तो आप अलग से लगा लें, और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से काले चने, जो रात को आपने एक रात पहले ही भिगोए हो, ऐसे चने, थोड़े से चने आप डाल दें और उसका एक लोहा बना करके गौ माता को खिला दें। ऐसा माना जाता है कि गौ माता को यह खिलाने से आपके घर में चाहे दरिद्रता कितनी भी हो, कितनी भी पुरानी हो, बड़ा से बड़ा कर्जा हो या फिर अटका हुआ पैसा हो, वह भी मुक्त हो जाता है और रुका हुआ व्यापार भी चल पड़ता है। और अगर आपके कोई नए काम में कोई व्यवधान आ रहे हैं या मुश्किल आ रही है, तो वह भी आपकी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में ज्यादा धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली।